फर्स्ट इज मुस्लिम, सेकंड इज क्रिश्चियन एंड थर्ड इज कम्युनिस्ट। तो ये क्या बात है कि मतलब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस एनिमीज हैं? कोई इंटरनल एनिमीज? कोई ड्राफ्ट है आपके पास आरएसएस का? आरएसएस की बुक में लिखा है? कोई ड्राफ्ट है लिखे हैं? कोई ड्राफ्ट है? गोलवलकर को मानते हैं कि नहीं? गोलवलकर ने क्यों कहा था कि जो मुस्लिम है अगर आपकी बात मान भी लें तो वो एनिमीज है? क्यों कहा था? क्योंकि गोलवलकर को लगता था कि गोलवलकर वाज ए रेसिस्ट बिकॉज ही। अरे यार, कोई व्यक्ति अगर रेसिस्ट है, कोई व्यक्ति अगर फैसिस्ट है तो उसकी कोई सोच होगी ना, हिटलर की कोई सोच थी ना। गोलवलकर ने ऐसा क्यों कहा था? गोलवलकर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो बिल्कुल इस्लामोफोबिक थे, मुस्लिम्स को हेट करते थे। तो इस्लामोफोबिक होने की कोई वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी। ऐसे इस्लामोफोबिक टर्म नहीं आ जाएगा ना मेरे दोस्त। वो वहां से उठाया गया ना कि जो से उठाया गया? जो मुगल्स आए और उससे उठाया गया। बट मुगल्स को आप एक ये भी समझना पड़ेगा कि वो राजा थे, सबसे पहले मोनार्क थे, राजा थे, और वो सब कुछ लूटना चाहते, बिल्कुल साफ साफ था ये। इसमें कोई क्या करना चाहते थे? वो अपना इंपीरियलिस्ट बनना थे। इंपीरियलिस्ट नहीं थे, क्या थे? यहाँ आए और राज करना चाहते थे। वो तो हर एक उस टाइम पे हर एक राजा का, जैसे आप हिंदुओं में भी समझेंगे तो बोलते चक्रवर्ती सम्राट और ये सम्राट, तो मतलब अपना राज्य साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। तो हालांकि वो गलत था, बिल्कुल गलत था। मुगल्स भी गलत थे उस टाइम पे और गलत थे। अब सिंपल सी बात यह है कि मैंने सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया, व्हाई दे हेट मुस्लिम, कोई कारण है? वो तो आप गोलवलकर से पूछेगा ना। कुछ तो कारण होगा ना। आप बोल रहे हैं कि आरएसएस जो है मुस्लिम को हेट करती है, व्हाई? क्यों हेट करता है आरएसएस से पूछे, क्यों हेट करते हैं? वो तो हेट नहीं करते, उनके तो मंच पे रहते हैं मुस्लिम लोग। एपीजे अब्दुल कलाम साहब उनके यहाँ गए, बहुत बड़े बड़े मुस्लिम नेता उनके यहाँ गए। अगर वो मुसलमानों को हेट करते तो वहाँ पे रहते भी? एक तरीके का नहीं है, वो मुस्लिम बताते हैं गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम। अब आए ना आप अच्छी चीज पे, तो गुड हिंदू और बैड हिंदू अगर हो सकता है तो गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं, फंडामेंटलिस्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो जब प्रयागराज में हिंसा की गई, कानपुर में हिंसा की गई, तो उसका जवाब प्रत्युत्तर तो उसी तरीके से दिया जाएगा ना, जिस मुद्दे से सवाल पूछा जाए। हिंसा को आपको यह भी समझना पड़ेगा किस लिए हुआ हिंसा, क्यों हिंसा हुआ। हिंसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भड़काऊ भाषण दिए गए, हालांकि हम हिंसा को जस्टिफाई बिल्कुल, बस यही चीज। और यहाँ पे जो लोग हैं वो हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अगर हिंसा को जस्टिफाई नहीं करते तो कानपुर नहीं होता, अगर हिंसा को जस्टिफाई नहीं करते तो प्रयागराज नहीं होता, रांची नहीं होता। हम तो हिंसा को जस्टिफाई कर, तो अब कवर अप हो रहा है कल वो तो अब कवर अप हो रहा है, इसके लिए पहले आना चाहिए था ना, अब क्यों? हम तो जब ये कहा गया कि सर पे कफन बांध करके निकलेंगे तब आके विरोध होना चाहिए था ना, जब कफन बांध के काट दिया तो अब क्यों? काट किसको दिया आप समझिए? बंदूकें चली हैं, बम फेंके तो बंदूकें तो पुलिस की तरफ से चली। हाँ, तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा नहीं करेगी, इनको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। इनके ऊपर आप पत्थर बरसाएंगे और आप चाहेंगे कि वो फूल माला से आपका स्वागत करेंगे? तो पुलिस भी पहले भी किया है, पुलिस ने पहले, आप देखिए इनके साथ जो आज तक की एक घटना दिखा दीजिए मुझे जिसके अंदर किसी मॉब के ऊपर पुलिस ने अटैक किया। अब हम यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अंकित नाम का एक आईबी का ऑफिसर था, इसी दिल्ली में मार दिया गया उन्हें, वो अटैक करने गए थे। अब वो वीडियो देखे कि नहीं? एक 15 साल का बच्चा था, उसको वो कोने में दबा हुआ था क्योंकि वो दंगे से डरा। भाई दंगे से डरा हुआ, इसकी स्टार्टिंग की और एंड की वीडियो आएगी। पुलिस वाले आपको इतने बेवकूफ नजर आते हैं? उनके घर में बच्चे नहीं है? आप एक ऑफिसर के डिसीजन पे डाउट कर रहे हैं जिसने एक एग्जाम पास की है, जो जनता के बीच में सबसे ज्यादा रहता है। मानते हैं कि नहीं? पुलिस स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस स्टेट की तरफ से काम करता है। अगर एक दिन के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो आपकी सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो पुलिस की जरूरत है कि नहीं है? हाँ है। स्टेट का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि नहीं है? और गलतियां सबसे होती है, उनसे भी हो सकती है। गलतियां इतनी नहीं होनी चाहिए ना। कौन सी गलती कर दी? अरे मैं फिर कह रहा हूं, आत्मरक्षा के लिए आप बंदूक उठा सकते हैं, तो पुलिस वालों को अधिकार नहीं है उसके लिए? अधिकार है कि नहीं है? अधिकार है कि नहीं है ना, उसके लिए प्रोसीजर है। अरे यार, सामने वाला बंदा यहाँ पे आके गोली मार के जाएगा और तुम कह रहे हो कि वो पुलिस वाला फोन करेगा कि सर मुझे मारने जा रहा है? उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर बताइए। अगर आपको लग रहा है कि कोई दंगा भड़काया जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करिए, ना कि गोली चला दें। जब सामने से पत्थर चल रहे हैं, हवाई फायरिंग से कोई व्यक्ति नहीं रुक रहा है तो क्या किया जाएगा? हैवी पुलिस डिप्लॉय क्यों नहीं किया वहां पे? अच्छा, उनको पहले से पता था ना कि ये दंगा करने वाले? अब ये तो उनको पहले से पता था ना कि दंगा करने वाले? जावेद ने फोन करके बोला होगा जेएनयू में कि हां जी बेटिया हम दंगे करने वाले हैं, दिल्ली पुलिस को बता देना, और दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस को फोन कर देगी, और यूपी पुलिस योगी को फोन कर देगी, और हम हैवी डिप्लॉयमेंट रख लेंगे। तो उनका घर क्यों तोड़ा गया फिर? आप घर क्यों तोड़ा गया? उनके पास से प्रूफ मिले होंगे? प्रूफ मिले होंगे? घर क्यों तोड़ा गया? प्रूफ मिले हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन था।
इलीगल, और उसका कॉलोनी में सारा देखे तो पूरा कॉलोनी एक लाइन में बना हुआ है, तो वो और घर इलीगल नहीं थे। आप कंप्लेंट कीजिए और भी टूट जाएंगे। हाँ तो वो करिए ना, आप कीजिए कंप्लेंट। क्या क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक उसके खिलाफ एक आवाज उठा रही है, तो क्या उस लिए तोड़ दिया जाएगा? किसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? आवाज उठाने का एक तरीका होता है ना बॉस। आवाज आप लोगों ने आज उठाई कि सबने प्रोटेक्शन दिए आपको। आप अगर लाठी लेके, बॉम्ब लेके, पत्थर लेके आएंगे दिया गया, पर वहाँ आप देखिए ना, आपने खुद मीडिया हाउस ने, मीडिया ने कवर किया है, उनका गला तक दबा दिया था। अच्छा हाँ, कैसे पता चले गला दबा या हाथ दबा? व्यवस्था तो बताएगी।